नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कल कोरोना के 82 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3,39,619। वहीं उत्तराखंड में 3,24,249 लोग स्वस्थ होकर हो चुके हैं डिस्चार्ज। अभी भी उत्तराखंड में 2,465 केस एक्टिव। वहीं कल कोरोना से 2 मरीजों की हुई मौत। तस्वीर भगवान घंटाकर्ण देवरा यात्रा की है, जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह पांडुकेश्वर गांव के ग्रामीण भारी बर्फ और चारों ओर पसरे ग्लेशियर के ऊपर नंगे पांव चलकर भगवान घंटाकर्ण की देवरा यात्रा में वसुधार पहुंचे हैं, जहां पर अवतारी पुरुष अवतार लेकर वसुधारा की पूजा अर्चना कर रही है। यूं तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, यहाँ हर गाँव में देवी देवता वास करते हैं, लेकिन यदि हम उच्च हिमालय की बात करें तो उच्च हिमालय का अपना ही एक अलग ही समृद्ध धार्मिक इतिहास है। यहाँ के गांव में देव यात्रा, जिसे की देवरा भी कहते हैं, का अपना ही एक अनूठा प्रचलन है, जिसके तहत गांव के भूमियाल और देवता रथ यात्रा में गांव से बाहर जाकर लोगों से मिलते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। भगवान घंटाकर्ण की देव यात्रा 12 साल में होती है और भगवान घंटाकर्ण अपने आराध्य भगवान बद्रीनाथ और माणा गाँव स्थित अपने भाई घंटाकर्ण से मिलने जाते हैं। लंडोरा के घदारूना मार्ग पर ईंट से भरे ट्रक की चपेट में आकर दंपति समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों में महिला की मौत हो गई। सड़क हादसा होता देख आसपास के लोग मौके पर जमा हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया। आरोपी चालक भीड़ का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गया। 3 व्यक्ति सवार थे, जिसमें एक उनके पापा जी, 2 उनकी बेटी, 1 लड़की पूरी रूप से गंभीर रूप से घायल है, जिसका नीचे का हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर पैसे मांगने वाले साइबर ठग को स्पेशल टास्क फोर्स ने भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिनों अज्ञात व्यक्ति ने डीजीपी की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर आड़त बाजार निवासी एक व्यक्ति से पैसे की डिमांड की थी। शक होने पर उसने नगर कोतवाली में तहरीर दी। कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामला गंभीर होने के चलते पुलिस मुख्यालय की ओर से जांच के लिए उच्च स्तर पर 6 टीमें बनाई गई थी। शनिवार को एक टीम ने आरोपी को भरतपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक चमोली यशवंत सिंह चौहान के निर्देशन में अवैध शराब और मादक पदार्थों के विरुद्ध जनपद पुलिस की प्रभावी कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में रविवार को क्षेत्राधिकारी कर्णप्रयाग विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में कोतवाली कर्णप्रयाग पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान पनाई बैंड गौचर से डस्टर कार में अवैध रूप से 26 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब को परिवहन करने पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। खबर ठाकुरपुर प्रेमनगर से है, जहां एक परिवार पर पड़ोसियों द्वारा घर में घुसकर मारपीट की गई है। मामला रामदास क्षेत्र द्वारा सड़क कब्जाने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर दिनेश सेमवाल ने विरोध किया, जिसकी तहरीर एक दिन पहले पुलिस थाना प्रेमनगर में दी गई, लेकिन क्षेत्रीय परिवार ने मिलकर पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सरहद पर अपनी ड्यूटी निभाते हुए 11वीं गढ़वाल राइफल के 23 वर्ष राइफलमैन मनदीप सिंह नेगी शहीद हो गए थे। कल रविवार को उनका पार्थिव शरीर उनके गांव विकासखंड पोखड़ा के ग्राम सकनौली पहुंचा। गांव में शहीद राइफलमैन मनदीप सिंह नेगी के पार्थिव शरीर के पहुंचने पर सबकी आंखें नम हो गई। मनदीप की मां हेमंती देवी अपने बेटे को तिरंगे से लिपटकर बेशुद्ध होकर गिर पड़ी। ग्रामीण और एसएसपी पी रेणुका देवी ने उन्हें संभाला। लंगडासु गांव में भद्राज देवता के नवनिर्मित मंदिर में पूजा अर्चना के साथ मूर्ति की स्थापना की गई। इस अवसर पर ग्रामीणों ने और बाहर से आए श्रद्धालुओं ने दर्शन कर आशीर्वाद दिया। रविवार को विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत ग्राम सभा लंगडासु में भद्राज देवता के नवनिर्मित मंदिर में पूजा अर्चना के साथ मूर्ति की स्थापना की गई। राजपुर थाना क्षेत्र में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर शव खुद जंगल में ले जाकर जला दिया। 2 महीने तक जब युवती ने अपने घर पर बात नहीं की तो तब स्वजनों को शक हुआ। स्वजनों ने जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने कहा कि युवती की छत से गिरकर मौत हो गई थी। बाद में उसने खुद उसका अंतिम संस्कार कर दिया। राजपुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छुपाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। शुक्रवार देर शाम चाकबोरा निवासी 36 वर्षीय एसएसबी में हेड कांस्टेबल दिनेश बोरा झलसोरा के कृत्रिम झील में नहाने के दौरान डूबकर मौत हो गई। पुलिस ने मृतक जवान का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम सीएससी बेरेनाग में किया। सरघाट सरयू नदी में जवान का सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। अंत्येष्टि में एसएसबी के अधिकारी और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। जवान की मौत के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। विभिन्न संगठनों ने जवान के निधन पर शोक जताया है। ये तस्वीरें जोशीमठ के प्रथम वाहिनी आईटीबीपी सुनील के परेड ग्राउंड की हैं, जहां आईटीबीपी के हीमवीर चोको जहां भी खुश रहे के नारे लगा रही हैं। बताते चले कि चोको एक मादा स्निफर स्वान है, जो कि आईटीबीपी के डॉग स्क्वाड के 9 की अहम सदस्य रही। चोको कई नक्सल विरोधी अभियानों की हिस्सा रही। स्वान दस्ते में 11 साल की नौकरी करने के बाद रिटायर हो गई है।
डॉगस्वाइट के 9 ITBP का एक स्वान का खोजी दस्ता है जो विभिन्न तरीके के ऑपरेशन, आंतरिक सुरक्षा और युद्ध में अपनी अहम भूमिका निभाता है। चोको एक मादक स्वान है जो कि K9 में एक वर्ष की आयु में भर्ती हुई और अब 12 साल में रिटायर हो गई है। नैनीताल के ग्राम सभा बजनिया हल्दू के राजीव सुहैल कोरोना टीकाकरण के लिए अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही हैं। राजीव बचपन से ही रामलीला में एक हास्य कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, जो अपनी कला को यूट्यूब चैनल द कॉमेडी रामदा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। अपने वीडियो के माध्यम से उन्होंने लोगों को एक संदेश दिया है कि टीकाकरण में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना करें। डॉक्टर और पुलिस कर्मियों का भी आभार व्यक्त किया और साथ ही जीवन को बचाने के लिए लोगों को वैक्सीन लगाने की अपील की है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मूर्ख अधम पापी, उठ जाग, देख पूरे संसार में कोरोना काल चल रहा है और सभी डॉक्टर और सभी पुलिसकर्मी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। जिस प्रकार में संजीवनी बूटी लेकर मैंने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे, उसी प्रकार ये सभी मिलकर मानव जाति के प्राण बचा रहे हैं, सबको जीवन दान दे रहे हैं और तू ऐसे अधम कार्य कर रहा है। जाग प्राणी जाग, और इस तरीके से नशा कर दुर्व्यवहार कर उनका अपमान कर जो इस कोरोना काल पर इतना कार्य कर रहे हैं, तू उन्हें सता रहा है। जाग प्राणी, नहीं तो तेरे प्राण जाने में कोई समय नहीं लगेगा। जाग प्राणी जाग। हे प्रभु, मुझे माफ कर दे प्रभु, मैं जो कर गलत कर मैं आज बड़ी नहीं करूँ, यह नस में सब छोड़ दूँ और लोगों के कोरोना लिए जागरूक करूँ। केंद्र और राज्य सरकार के उड़ान विभाग द्वारा अब पर्वतीय क्षेत्रों में हवाई सेवा को जोड़ने की पहल की जा रही है। इसी क्रम में अब अल्मोड़ा जनपद के लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। बहुत जल्द ही हवाई सेवा शुरू होगी, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। अल्मोड़ा जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि अल्मोड़ा के टॉटिक में हेलीपैड तैयार होगा, जो हवाई सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं ये बताना चाहूँगा कि टाटिक जो हमारा हेलीपैड, उसके लिए उड़ान टू के फेज के लिए सेलेक्ट किया गया है। इसमें पन्नगर से अल्मोड़ा तक हमारे हेलीकॉप्टर की राइड प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने कोशिश ये की है कि टाटिक में जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं उनको हम लोगों ने करा लिया गया, PWD के माध्यम से सारे संपादित किए गए हैं। और हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया है कि इसका इंस्पेक्शन जल्द ही नागरिक उड्डयन विभाग करा ले और इसमें जो भी अगर कोई भी कमियाँ होंगी तो उसको भी तुरंत पूरा कर लिया जाएगा। चंपावत में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से जिला अस्पताल में 100 LPM के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि चंपावत में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना से जिले के लोगों को फायदा होगा और हल्द्वानी से सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज पर भी दबाव कम होगा। कलाकार त्रिलोक सिंह चौहान के द्वारा मसूरी झील में अपने पार्क में बनाई गई मिट्टी की कलाकृति देर रात हुई बारिश की भेंट चढ़ गई। त्रिलोक सिंह चौहान द्वारा मसूरी झील में विभिन्न प्रजातियों के जानवरों, देवी देवताओं आदि की कलाकृति बनाकर एक छोटे से पार्क को संचालित कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन देर रात की बारिश के कारण ठेकेदार द्वारा झील की सफाई के लिए एकत्रित किया मलबा उनके पार्क में झा घुसा। उन्होंने बताया कि इन दिनों झील की सफाई का काम चल रहा है, जिसका मलबा ठेकेदार द्वारा इकट्ठा कर दिया गया है। वहीं ठेकेदार की लापरवाही के कारण देर रात हुई भारी बारिश से मलबा उनके पार्क में घुस गया। समूर्ण फाउंडेशन और उत्तराखंड एसोसिएशन ओमान द्वारा जिला अस्पताल बोराड़ी टिहरी गढ़वाल में एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराया। समूर्ण फाउंडेशन के सदस्य कमल जोशी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमित रॉय की मौजूदगी में यह जीवन रक्षक उपकरण चिकित्सालय को प्रदान किया। समूर्ण संस्था के सदस्य कमल जोशी ने बताया कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लड़ने के लिए विभिन्न जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे महत्वपूर्ण जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो टिहरी डिस्ट्रिक्ट का इकलौता हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल जो आसपास की जनता सेवा दे रहा है। काफ़ी दिनों से है, इसमें बहुत लोगों का सहयोग, जैसे समूह फाउंडेशन के आप लोगों से मेरी बात हुई थी, आप लोगों ने हमें आज एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे रहे हैं, तो जो जनता यहाँ के जनता के लिए ये बहुत ही लाभप्रद है और इसका उपचार में बहुत ही अच्छा योगदान भी है। और इस समय कोविड काल चल रहा है तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस रखता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो आप लोगों ने हमें ये गिफ्ट किया और इसके लिए टिहरी की जनता और हम और स्वास्थ्य विभाग आपका आभारी है।
आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने गंगोत्री विधानसभा के गांव में जाकर लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, जिसमें अजय कोठियाल आप नेता हर वर्ग के व्यक्तियों से मिल रही हैं, जिसमें युवा वर्ग, महिला वर्ग और पूर्व सैनिक भी हैं। अजय कोठियाल आप नेता सभी ग्रामीण वर्ग से सीधा संवाद करने के साथ चुनाव को लेकर आम जनता के समक्ष आम आदमी पार्टी और अपना प्रचार प्रसार कर रही है। चुनाव है आम आदमी पार्टी जिसको मैंने ज्वाइन करा है, उसने 2022 में पूरी 70 सीटों से चुनाव लड़ना है। तो क्या है कि उत्तरकाशी में घूमने का तो पहला मकसद यह है, क्योंकि यहीं से मैंने बोलूँगा कि चीज़ें सीखी काम करने की। तो सबसे पहले यहाँ घूम रहा हूँ, यहाँ पे लोगों से मिल रहा हूँ, विचार समझ रहा हूँ, लेकिन ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी 2022 में यहाँ से इलेक्शन जरूर लड़ेगी। कोटाबाग ग्राम प्रधान संगठन कोटाबाग ने मनरेगा घोटाले और सोशल मीडिया में ग्राम प्रधानों की छवि धूमिल करने वाले वीडियो वायरल करने वाले के खिलाफ शिकायती पत्र देकर जांच करने की मांग की है। ग्राम प्रधान संगठन कोटाबाग के अध्यक्ष हीरा बल्लभ भदानी ने कहा कि कोटाबाग के एक ग्रामीण ने सोशल मीडिया में ग्राम विकास अधिकारी दीपेंद्र शर्मा और रोजगार सेवक राहुल गुप्ता पर विकास कार्य में हो रहे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ग्राम प्रधानों की छवि धूमिल करने का प्रयास किया है। लोक निर्माण विभाग रामनगर अंतर्गत ग्राम सभा बजनिया हल्दू मुंचा बगर के तुषानवाद जाने वाला मार्ग कई सालों से खस्ताहाल पड़ा है। कई बार ग्रामवासी लोक निर्माण विभाग रामनगर के अधिकारी और क्षेत्रीय विधायक से मार्ग को सही करने की गुहार लगा चुके हैं। वहीं ग्रामीण दिनेश बोरा का कहना है कि ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं कल तुषानवाड़ जाने वाला मार्ग के पास लिंक मार्ग में पुलिया टूट जाने से यातायात पूरी तरह से बंद हो गया है। मतलब ये भजनिया आलू के मूसा बंगर से निकलते हुए पतेलिया तक जाता है, इससे यहाँ के कई तो प्रभावित हो गए हैं इस पुलिया के टूटने से। कई तोकों का ये मेन रास्ता है, उन तोकों में पहुँचने के लिए इसी पुलिया का क्या कहते हैं यूज किया जाता है। और ये पुलिया बहुत लंबे समय से महोदय जर्जर हालत में है और बहुत पुरानी पुलिया है, इसको खास मरम्मत की जरूरत है। अब तो ये टूटी गई है, इसे हम कह रहे हैं कि शीघ्र करें प्रशासन। शहर में हाईवे पर सब्जी मंडी की ठेलियां अब नहीं सचेगी। फुटकर फल और सब्जी विक्रेताओं द्वारा दुर्घटनाओं की आशंका देखते हुए इस संदर्भ में महापौर से किए गए आग्रह का संज्ञान लेते हुए महापौर अनिता बमगाई ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेते हुए इस पर बाबत आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। महापौर के आदेश के बाद ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर सब्जी की अस्थायी मंडी के शिफ्टिंग के लिए उचित जगह की तलाश विभागीय अधिकारियों द्वारा शुरू कर दी है। इस आदेश को कड़ाई से लागू करने के लिए अफसरों को मेयर ने जिम्मेदारी बांट दी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इन दिनों कुमाऊं के दौरे पर निकले हुए हैं। देर सांय सरोवर नगरी नैनीताल क्लब पहुंचे। यहां पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा ही संगठन के माध्यम से प्रशंसनीय कार्य किए गए हैं। व्यासी परियोजना से प्रभावित लोहारी के ग्रामीणों ने 22वें दिन शासन प्रशासन की ओर से मांग पर कोई सुनवाई न करने पर फिर धरना स्थल बदल दिया है। ग्रामीण बांध की नींव के पास पुराने स्थल पर ही यमुना घाटी लखवाड़ व्यासी बांध प्रभावित समिति के बैनर तले धरने पर बैठे ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में आक्रोश है कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा सुध लेने नहीं आ रहा है। वहीं धरने पर अनवरत बैठे बांध प्रभावित समिति के अध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि 2017 में तत्कालीन सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर अंबाड़ी में रेशम विभाग की खाली पड़ी जमीन पर विस्थापितों को जमीन आवंटन की प्रक्रिया को स्वीकृत किया था, लेकिन बाद में उस प्रस्ताव पर कोई अमल नहीं किया गया। इसका ग्रामीणों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक हमें जमीन के बदले जमीन नहीं मिलेगी और प्रत्येक परिवार को नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक धरना समाप्त नहीं होगा। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी, उत्तराखंड।